हिंद दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया में जो है वार चल रहा है, और यूक्रेन ने किया क्या है कि रशिया के क्रीमिया इलाके में रूस का जो है ऑयल का भंडार था, जिस पर उन्होंने हमला कर दिया, और वहां पे जो ऑयल भंडार को नष्ट किया है, उससे जो धुआं निकला है, जो विस्फोट के बाद जो स्थिति बनी है, जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए हैं, उसमें उन्होंने एनिमेटेड तरीके से माँ काली का चित्र जो है बनाया, और ये चित्र एक्टर मरिन मुंडो के पुराने वायरल चित्र उनका उसके साथ मिलता है। आक्रोश इस बात का है कि माँ काली को इस तरह से प्रेजेंट किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, जो यूक्रेन का डिफेंस ऑफिस है, उसने अपने ऑफिशियल साइट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा वर्क ऑफ आर्ट। तो आप सोचोगे इसमें विवाद की क्या बात है। विवाद की बात यह है कि माँ काली की तुलना अमेरिका की जो एक एक्टर थी मरिलिन मनरो, उनसे की गई, और उन्हें जो है युद्ध के क्षेत्र में मुंडो की माला पहने हुए और मरिलिन मनरो की तरह दिखाया गया, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इस पर भारतीय जनता ने और वहां के जो इंडियन हैं, उन्होंने काफी आक्रोश प्रकट किया है, और उन्होंने जयशंकर को भी टैग करते हुए कहा है कि आप कैसे विदेश मंत्री हैं जो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ये घटना 2 दिन पुरानी है, और इसके बाद आज उन्होंने यूक्रेन ने माफी मांगी है, आज उन्होंने माफी मांगा है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी देश में कुछ भी हो, लेकिन टारगेट हिंदू सेंटिमेंट ही किए जाते हैं। अगर किसी और धर्म के लिए ऐसा किया जाता तो ना जाने क्या हो जाता, लेकिन नहीं, हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है ना, तो उसको जितना मन हो उतना हट करो। हालांकि हेट स्पीच में आता है, लेकिन ठीक है। और आज हुआ ये है कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो है हमला किया है, और जिससे उनको कुछ हुआ तो नहीं है, जान मालों को खतरा नहीं हुआ है, पर हाँ, जो युद्ध का स्तर है वो बढ़ गया है। अब युद्ध कहाँ तक पहुँचेगा, कैसी परिस्थितियों में पहुँचेगा, यह देखने लायक हो गया। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।